अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। द किंग विराट कोहली, क्या ग्रेट टारगेट चेज किया है आज इंडिया ने, और 274 रन का टारगेट, 4 विकेटों से मैच जीत के इंडिया, और 2 ओवर पहले सिर्फ 48 ओवर में 274 रन का टारगेट चेज किया इंडिया ने अगेंस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। आज तो विराट कोहली ने फैन बना दिया मुझे, मैं तो विराट कोहली का फैन बन गया। क्या चेस किया, क्या कमांड एंड कंट्रोल रहा इनिंग पे विराट कोहली की। आखिर में अनलकी बदकिस्मती से कैच आउट हुए और 98 रन पे ऑल आउट हुए विराट कोहली, 104 गेंदों का सामना किया। किंग है चेजिंग में विराट कोहली, नो डाउट है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी आज। मतलब कि मैच फंस गया था, लग रहा था कि आज इंडिया मैच हार जाएगा। न्यूजीलैंड ने शफल किया आखिर में, 60 रन तकरीबन शार्ट था, 310-15 का टारगेट होना चाहिए था, आखिरी जो 10 ओवरों में अच्छा ना खेल सका न्यूजीलैंड। सबसे पहले बात करें 274 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, इब्तदाई 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो आज डेरन मिचेल ने क्या शानदार इनिंग खेली, 130 रन बनाए 127 गेंदों पर उनका साथ दिया। रविंद्रा ने 75 रन बनाए 87 गेंदों का सामना किया। तो बॉलिंग लाइनअप की बात करें, आज कमाल की बॉलिंग की पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने। बुमराह की बात करें 10 ओवर कराए 45 रन दिए, सिराज की बात करें 10 ओवर कराए 45 रन दिए, एक एक खिलाड़ी आउट किया। मोहम्मद शमी वंस अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस, एक सीनियर क्रिकेटर होने की जिम्मेदारी पूरी निभाई आज मोहम्मद शमी ने, 10 ओवर कराए 54 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अभी तक वर्ल्ड कप में शेन अफरीदी ने 5 विकेटें ली और आज मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें ली, और इस तरह पूरी की पूरी टीम न्यूजीलैंड की 274 पे ऑल आउट हुई। जब नंबर आया बैटिंग लाइन आपका इंडिया का, तो शुरू में रोहित शर्मा वंस अगेन 4 छक्के लगाए आज, फिर 40 गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली रोहित शर्मा ने, कमाल इनिंग खेली, एक अच्छा ओपनिंग स्टार्ट दिया, वरना आज ये बड़ा मसला बन जाता इंडिया की जीत के लिए। उनका साथ दिया आज, क्या कमाल की पारी खेली अगेन शुभमन गिल। मतलब कि एक अच्छा स्टार्ट कहा सकता है, लेकिन एक अच्छी इनिंग नहीं आज शुभमन गिल ने, एक अच्छा किरदार नहीं अदा कर सका ओपनिंग में, और उन्होंने सिर्फ 26 रन लगाए 31 गेंदों का सामना किया। तो द नेक्स्ट जो बैटर हैं, जो नेक्स्ट बैट्समैन है, द किंग विराट कोहली। भाई जान आपने मुझे आज फैन बना दिया। विराट कोहली ने आज 104 गेंदों पर 98 रन की इनिंग खेली, और ये वही इनिंग थी कि जो आज बचा गई इंडिया को, वरना आज इंडिया को एक अपसेट शिकस्त होती अगेंस्ट न्यूजीलैंड की। दोनों ऐसी टीमें वर्ल्ड कप में जो अभी तक एक मैच भी नहीं हारी। इंडिया की बात करें 4 मैच खेले थे, 4 जीती थी। न्यूजीलैंड की बात करें 4 मैच खेली थी, 4 जीती थी। लग रहा था शुरू में कि जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड ने दी, वन साइडेड मैच होगा जिस फॉर्म में इंडिया था, लेकिन क्या कम बैक किया और 274 रन का टारगेट में इंडिया को बड़ा मसला हुआ, जिसमें 3 शानदार इनिंगें थी, जिसमें नंबर 1 बात करें रोहित शर्मा ने 46 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया। उनका साथ दिया विराट कोहली ने, 98 रन बनाए 104 गेंदों का सामना किया, और आखिर में रविंद्रा जडेजा की क्या शानदार इनिंग थी, 39 रन बनाए 44 गेंदों का सामना किया, और यूं इंडिया आज पॉइंट टेबल पे नंबर 1 आ गया, और इंडिया ने 5 मैच खेले और अनबीटन अभी तक 10 पॉइंट के साथ इंडिया ऑन द टॉप है। तो आगे जो हम बात करेंगे आज, जो आगे बात करें जो बॉलिंग लाइनअप थी आज न्यूजीलैंड की, अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर कराए बोल्ट ने, 60 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो हेनरी की बात करें 10 ओवर कराए 55 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो सेंटनर, क्या कमाल उनकी जादू वाली बालें थी, 10 ओवर कराए 37 रन दिए, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। फर्ग्यूसन की बात करें 8 ओवर में 63 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये था आज का मैच। अब बात करें टुमारो द बिग मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान। कल एक बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कल पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन आ चुकी है। अब मुकाबला पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट कर पाएगा सेमीफाइनल की दौड़ में, क्योंकि कल अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को अच्छे मार्जिन से हराता है तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कल तीसरी फतह हो जाएगी और पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान नंबर 4 पर आ जाएगा। क्योंकि अब जो सिचुएशन है, अब पाकिस्तान के लिए
जो मैचेस हैं पांच, उनमें से चार मैचेस लाजमी जीतने अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप 2023 के लिए सेमीफाइनल के लिए। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गया तो पाकिस्तान डेफिनेटली वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कल का मैच बड़ा क्रूशल है। अफगानिस्तान तो वैसे भी इस इरादे से नहीं आया कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का पूरा इरादा है कि हमने सेमीफाइनल खेलना है। तो उसके लिए जो कल की इनिंग होगी वो काफ़ी इंतहाई ज़रूरी होगी। बाबर को अपनी क्लास लाने की ज़रूरत है। जिस तरह कोहली दो तीन साल क्रिकेट से आउट रहे, परफॉर्म न कर सके, सेंचुरी न बना सके, लेकिन आज बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी सिर्फ दो स्कोरों से बाकी रही, वरना आज फिर विराट कोहली की दूसरी सेंचुरी हो जाती। अब बात हम कर रहे थे बाबर आजम की। अब बाबर आजम को अपना गियर चेंज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आए, लेकिन जो हर वक्त जो सफल हो जाते हैं, जो शॉट मिड विकेट पे मार के आउट हो जाते हैं, इस पर कंट्रोल करना होगा, वरना बाबर आजम नंबर वन पोजीशन भी खो जाएंगे और कप्तानी से भी खो जाएंगे। तो कल के मैच में हमें इंतज़ार है। कल स्पिनिंग अटैक है, चेन्नई का ग्राउंड होगा जहाँ पर पाकिस्तान बमकाबला अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान के पास तीन जो की बैटल हैं वो ये हैं, हशमतुल्ला गुलबाज, मोहम्मद राशिद खान। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। इन तीन बैट्समैनों का, इन तीन प्लेयरों का, इन तीन खिलाड़ियों का आपस में मुकाबले हैं, कौन सा खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अभी तक चार मैचेस तक तो रिजवान ऑन द टॉप थे, लेकिन आज जो इन्हें खेली रोहित शर्मा ने, तो अब तीसरे नंबर पर आ गए मोहम्मद रिजवान, 294 रन हैं वर्ल्ड कप में। और जो टॉप विकेट टेकर है वो सेंटनर की हो गई हैं 12 विकेटें वर्ल्ड कप में। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, कल आप अच्छा खेलें, अगर अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान जीत पाएगा, वरना पाकिस्तान न सिर्फ कल का मैच हारेगा बल्कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएगा। तो कल का मैच इस लिहाज से इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। तो हमारी दुआएँ पाकिस्तान के लिए, कल पाकिस्तान को फ़ख्र ज़मान को इन करना पड़ेगा और कल पाकिस्तान को एक बैट्समैन ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान सफल जिसमें कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नाकस है, वो नंबर 6 और नंबर 7 बैट्समैन की है। अगर फ़ख्र ज़मान को ऐड करते हैं और उनको नंबर 6 या 7 पर लेके जाते हैं, पाकिस्तान की टीम मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी। आने वाले मैचेस पाकिस्तान के बड़ी सख्त टीमों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने फेस करना है न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान ने फेस करना है साउथ अफ्रीका को, और पाकिस्तान ने फेस करना है इंग्लैंड को। अच्छी क्रिकेट जो टीम खेलेगी वो जीतेगी, चाहे पाकिस्तान हो या कल अफगानिस्तान हो।